हेलो दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हो सकता है कि आप इस वीडियो को नए साल में देख रहे हो या नए साल से पहले। जरूरी ये है कि आप इन मिनी हैबिट्स को अपना लें और नए साल को और भी बेहतर तरह से एक्सपीरियंस और एंजॉय करें। तो पहली हैबिट है फॉलो ए शॉर्ट मॉर्निंग रूटीन। दोस्तों, 2024 को अगर आप कंट्रोल में करना चाहते हैं या बेहतर तरह से जीना चाहते हैं तो अपने दिन को कंट्रोल करना सीख लें। और अगर आप अपने मॉर्निंग को काबू में कर लेते हैं तो सारा दिन आपके कंट्रोल में आ जाता है। ऐसा करने के लिए रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करें और उस एक्स्ट्रा टाइम में आप एक दो ग्लास गुनगुना पानी पी सकते हैं, एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। बिकॉज सम काइंड ऑफ मूवमेंट यू मस्ट डू एवरी डे। अपने हिसाब से 10 या 15 मिनट एक्सरसाइज या योगा करके आप सिर्फ एज में ही बढ़ेंगे, लेकिन आपकी लुक्स, एनर्जी और मेंटल पावर हमेशा यंग रहेगी। तो दूसरी हैबिट है रीड समथिंग वैल्यूएबल। दोस्तों, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम सबको किसी भी चीज की कमी नहीं है सिवाय एक चीज के, जो कि है फोकस। अगर आप नए साल में फोकस को बढ़ा लेते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, रिसर्च ये बताती है कि बुक पढ़ने से हमारा फोकस शार्प होता है। किसी भी काम को करने से पहले अगर हम सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए कुछ भी पढ़ लें तो उस काम को करने में हम पहले से ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। रीडिंग को एक ग्रेट रिलैक्सेशन टेक्निक भी माना गया है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं भी आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कहते हैं ना, वर्ल्ड टूर करने के लिए आपको हमेशा फ्लाइट टिकट्स की जरूरत नहीं होती। बुक्स आपको घर बैठे ही दुनिया की सैर करा देती है। दोस्तों, दिस कैन बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन गिव टू योरसेल्फ इन दिस ईयर। तीसरी हैबिट है एड एंटीऑक्सीडेंट्स टू योर डाइट। दोस्तों, हमारे बॉडी में स्ट्रेस के कारण जो लगातार फ्री रेडिकल्स जनरेट होते रहते हैं, उन फ्री रेडिकल्स के कारण आज लोग अपने प्रेजेंट एज से दुगने एज के नजर आने लगे हैं। इसे कॉम्बैट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल कर लें और फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर लें। एंटीऑक्सीडेंट फूड्स में विटामिन सी रिच फूड, विटामिन ई रिच फूड, बीटा कैरोटीन रिच फूड आते हैं, जिन सबसे हमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकता है। तो क्यों ना इस साल हम अपने बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स देकर थोड़े कम एज के नजर आएं। चौथी और आखिरी हैबिट है कैरी हैप्पीनेस एंड एंजॉय योर जर्नी। दोस्तों, हम सब हैप्पी रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते। आजकल हम धीरे धीरे स्माइल करना भी भूल चुके हैं। स्माइल करना एक बेहद ही छोटी सी प्रैक्टिस है जिसे हम लोग आसानी से कर सकते हैं। खुश होने के लिए हम छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अपने आप को इम्पोर्टेंस देकर भी हम खुश रह सकते हैं। नई नई जगह एक्सप्लोर और ट्रेवल करके हम खुश रह सकते हैं। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखकर हम खुश रह सकते हैं। हम अच्छे राइटर्स के बुक पढ़ के भी अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रख सकते हैं। इन सब बातों को फॉलो करके हम अपने लाइफ के इस साल की ब्यूटीफुल जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।